अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी मोड ऑफ पेमेंट के कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप एम वाई फार्म को पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके अंदर आज जिस हम मोड ऑफ पेमेंट पे बात करेंगे वो है फ्रंट पे, जो कि बेसिकली एक समझ लें कि सोल्यूशन है जिसके थ्रू पेमेंट सोल्यूशन है, पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आप हमें पेमेंट सेंड कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं, अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर हम अमाउंट एंटर करेंगे, अमाउंट एंटर करने के बाद हम हर जो है कैटेगरी के लिए अलहदा या हर पर्सन के लिए एक अलहदा लिंक जनरेट करेंगे, जो लिंक उसी वक्त एक्सपायर हो जाएगा जब उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी, तो कोई और उस लिंक को यूज़ करके हमें पेमेंट नहीं कर सकता, जिसे हमने शेयर किया वही कर सकता है। तो क्या होगा कि हम एक अमाउंट एंटर करेंगे कि इतने पैसे हमने इस बंदे से लेने हैं और ये इस चीज़ के पैसे हैं, वो फिर एक लिंक बनेगा, उस लिंक को हम उस बंदे के साथ शेयर करेंगे, जब उस बंदे के साथ शेयर करेंगे वो उस लिंक पे क्लिक करेगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी, विंडो ओपन करने के बाद जो है वो आपसे कुछ डिटेल्स लेगा, डिटेल्स लेने के बाद मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे साथ वो प्ले भी कर दूं ताकि आप लोग देख सकें। उसके अंदर जो है फिर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप जो है इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा से पेमेंट करके, और मेरे ख्याल से इजी पैसा से शायद पेमेंट करके, मैं यू पैसा से तो मैं कंफर्म हूँ कि मैं चेक कर चुका हूँ कि आप मुझे पेमेंट कैसे भेज सकते हैं, तो उसमें अगर आपका कोई यू पैसा, इजी पैसा या जैज कैश का अकाउंट है तो आप उसके थ्रू, यू पैसा तो मुझे कन्फर्म है कि वो लिंक्ड है और उसके थ्रू कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके ऐसे बैंक अकाउंट्स जिन पे आपने ई कॉमर्स अनेबल किया हुआ है या इंटरनेशनल पेमेंट्स अनेबल किया हुआ है, उससे भी आप जो है वो कर सकते हैं। मैंने ट्राई आउट किया है मिज़ान का, वो सिस्टम काम करता है, बाकी मुझे बैंक्स को लेके भी श्योरिटी नहीं है। फैसल बैंक और मिज़ान बैंक ऐसे हैं जिनका ये सिस्टम काम करता है और उसमें आप पेमेंट्स इस तरीके से मतलब डायरेक्ट बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, आपने सिर्फ अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है और उसके बाद वो वहाँ से पेमेंट जो है वो माइनस करके हमें हमारे अकाउंट में सेंड कर देंगे। उसके बाद तीसरी ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ऑप्शन अवेलेबल है पेमेंट थ्रू कार्ड। इसके अंदर आप मास्टर या वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जिन पे ई कॉमर्स या इंटरनेशनल पेमेंट आपने अनेबल की हुई है, उसमें आप अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करेंगे। कार्ड की डिटेल्स एंटर करने के बाद आप जो है वो जब उसको ओके करेंगे, हो सकता है आपको एक ओटीपी आए, बैंक अकाउंट के अंदर भी हो सकता है आपको ओटीपी आए, उधर भी आपसे जब आप इजी पैसा जैज कैश करेंगे तब भी वो ऑब्वियसली आपसे फाइनल परमिशन तो आपको लेगा, बताएगा कि इतनी पेमेंट जो है हम आपकी डिडक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप ओके कर देंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, तो वो पेमेंट आपके कार्ड से डिडक्ट करते हैं, जिस तरह किसी भी POS के थ्रू या आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं उसी तरीके से पेमेंट होगी और वो पेमेंट हमें फिर जो है हमारे अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। और इसमें भी आपको लिंक मिलेगा, जो लिंक स्पेसिफिक हर पर्सन के लिए होगा या हर समझ लें कि एक उस कैटेगरी के लिए होगा या एक प्रोडक्ट के लिए होगा या एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए होगा, और वो जैसे ही उस लिंक के थ्रू पेमेंट होगी वो लिंक ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकेगा, उसके थ्रू कोई और पेमेंट नहीं कर सकेगा। हमें हर प्रोडक्ट के लिए या हर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए या हर पर्सन के लिए हमें सेपरेट लिंक जो है वो बनाना पड़ेगा, या एक सपोज एक बंदे को मैंने लिंक शेयर किया है और वो उस लिंक को यूज़ नहीं करता विद इन 2 डेज, तो 2 डेज के बाद वो लिंक ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, उस बंदे को हमसे फिर नया लिंक लेना पड़ेगा। तो ये थी आज की एक और वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया है, मतलब एक और पेमेंट गेटवे के बारे में बताया है कि जिसके थ्रू आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत सी और मजीद वीडियोस पेमेंट गेटवेज के थ्रू या पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए भी बनाते रहेंगे और बाकी भी जो है वो टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाते रहेंगे और आप उसको जो है वो देख के मुस्तफीद भी हो सकेंगे और मैं मजीद जितनी ऑप्शंस क्रिएट कर सकता हूँ अपने कस्टमर्स के लिए कि वो पेमेंट कर सकें उस तरीके से वो हमें पेमेंट सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।